हेलो फ्रेंड्स, आप जी का मेरे यूट्यूब चैनल थिंक ड्रैगन में बहुत बहुत स्वागत है। सो जिवें कि तुहानू पता लग ही गया होना कि जिहड़ी मास्टर कैडर की कुरैक्शन है वह शुरू हो चुकी है ते काफ़ी ज़्यादा कैंडीडेट्स ने कुरैक्शन कर ली है ते काफ़ी ज़्यादा कैंडीडेट्स ने हाल तक नहीं की। सो जिहड़े भी साडे भैण भरा ने जिन्हां ने हाले तक कुरैक्शन नहीं की तो वह फिलहाल कुरैक्शन कर लैन। किदां करनी है जी? सब तो पहले तुसीं अपना इत्थे रजिस्ट्रेशन नंबर अते पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर दो। लॉगिन करन तो बाद बेशक तुसी फीस पे कीती है या नहीं कीती है इत्थे एप्लीकेशन स्टेटस भी आएगा फिल्ड बट नॉट अप्रूव्ड। हुण ए वाला जिहड़ा तुसी हुण एडिटिंग है इहदे विच किहड़ी किहड़ी चीज़ तुसी चेंज कर सकदे हो वह भी ध्यान नाल सुन लो जी। तुसी जाना उस तो बाद जनरल प्रोफाइल पर। हुण सब तो पहले मैं तुहानू वह चीज़ दस दिंदा जिहड़ी कि तुसी एडिट नहीं कर सकते। सब तो पहले तुसी अपना नाम एडिट नहीं कर सकते, फादर साहब का नाम एडिट नहीं कर सकते, मदर जी का नाम एडिट नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर एडिट नहीं कर सकते, पीएस टैट तुसी पास्ड हो या नहीं हो ये इतने अगर ऑप्शन पाया होया उन्होंने भी एडिट नहीं कर सकते, पंजाबी 10th तो पास हो या नहीं हो वो भी नहीं एडिट कर सकते, कि तुसी गवर्नमेंट सर्वेंट हो हाँ या ना वो भी तुसी एडिट नहीं कर सकते। सो ये जड़ियाँ डिटेल्स मैं तुहानू दसियां इन्हां तुसी एडिट नहीं कर सकते। हुण जिहड़ियां तुसी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं वो सारिया देखो इतने बॉक्सिस भी शो कर दियां पईआं। हुण मैं तुहानू एक एग्जाम्पल देना ला लो कि यह कैंडीडेट का फॉर्म है। सो इतें मैं गलती ना फीमेल फिल करता सीगा, ला लो मैं इन्हें पहले अपडेट कर दिना। हाँ देखो मैं तुम्हें एक प्रोसैस करके देना, ला लो कि ये ताड़ा गलत फॉर्म है, इतने उसी फीमेल फिल किया होया एग्जाम्पल दे लई। मैं लॉग आउट करके फिर लॉगिन कर देना, ठीक है जी? ला लो ताड़ा इनकोरैक्ट फॉर्म सीगा, फिर तो तुसी लॉगिन किया, एडिटिंग ये चली हुई है, कुरैक्शन चली हुई है, तो तुसी जनरल प्रोफाइल पर गए। इतने देखो जी जिहड़ा जेंडर है ये आ रहा फीमेल, गलती ना फिल हो गया सी मेल करता। डोमिसाइल पंजाब दे हो मैं इतने नो करता, मास्टरियल स्टेटस मैरिट करता, अते ईमेल आईडी भी इतों मैं चेंज कर लेना, ठीक है जी? yahoo.com कर देना। हुण मैं तुहानू दसदा पिया कि बाकी चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, मैं सारिया डिटेल्स जिहड़ा तुसीं कर लैंदे हो। कुछ कैंडीडेट्स की करते हैं डायरैक्टली इतने क्लिक करके अप्रूव कर देंदे आ, पर सब तो पहले इतने तुसीं अपडेट करो अते ओके करो। अपडेट करना की हुंदा है? जिहड़ियां तुसीं उपर टर्म्स एक्सट्रा फिल्ड कीतियां इहदे विच डाटा बाद विच फिल किया एडिट किया है वो सारा इतने अपडेट हो जाऊगा। अपडेट होने तो बाद ये तो चलो जी ढा डाटा अपडेट हो गया, हूँ तो उसे इनू फाइनल सबमिट करना है। वो आई हैव चैक द डिटेल्स ऑन करके जिले तुम हूँ ये क्लिक करता थोड़ा फॉर्म एडिटेबल मोड तो बाहर रहना, हूँ नहीं तो इन एडिट कर सकते। सो ये डिटेल्स एक बार फिर थोरली चैक कर दो, इनू मैं सारा कुछ डिटेल मेरी डन है अप्रूव कर दो, माई प्रोफाइल क्लिक कर दो अप्रूव माई प्रोफाइल तो ढा फॉर्म फिर तो लॉक हो गया, ठीक है जी? उस तो बाद नैक्सट अपलाई हेयर पर जाना। तुम अपलाई हेयर पर थोड़ी इतने जी क्वालिफिकेशन आ देखो इतने बनया हुआ फिल एप्लीकेशन फॉर्म पेंसिल आँदी पी, डैट मीनस तुम इन एडिट कर सकते हो। हूँ एक होर मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया कि सर इतने मेरा गलती ना जो सब्जेक्ट इंग्लिश जोड़ा हो गया उन्होंने मैं चेंज कर सकता है कर सकती हाँ? बिल्कुल जी तुम इनू चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है जी? ये बाय डिफॉल्ट है, देखो जी गलती ना ये फिलहाल मेरा डमी फॉर्म है, मैं तुम्हें पहले दसदा। जेकर मैं गलती ना ला लो कि इतने कैटेगरी मैं देती बीसी, ठीक है जी? अप्लाई किया मैं ओके किया, ठीक है जी? हुण देखो मेरा वो फॉर्म इतने कोई भी फिल्ड नहीं होया, क्यों नहीं होया? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर द अबव सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया पे। चलो मैं ऐद ही करके देखते हैं, बीसी अप्लाई कैटेगरी मैं देना बीसी अप्लाई। ये चीज़ ध्यान ना दिखियो थोड़ी, कैंडीडेट्स के क्वेश्चन आए से मैंने उसके अकॉर्डिंग है। आ देखो जी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? मैथ भी हैगा फिर तो चलो थर्ड कर लें, साइंस कर लें, बिकॉज दो इतने पहले अप्लाई सी इस करके नहीं हो रहा सीगा। चलो तीसरा जरा नवा कर लें, दो मेरे पहले सब्जेक्ट अप्लाई सके। आ देखो जी ये तीसरा मेरे इतने आ गया, बट तीसरे की जे मैं इतने डिटेल फिल करना है वह इतने चलान जनरेट होना, चलान तो तुम्हें पता डेट यदि ओवर हो चुकी है। बेशक तुम रजिस्ट्रेशन इतने कर लेंगे हो साइंस की, बट चलान ढा नहीं करवाना बिकॉज डेट इज़ ओवर। सो ये थोड़ा ध्यान रखियो। हूँ इंग्लिश अते मैथ जां जिहड़ा भी तुसी सब्जेक्ट पहले ही चूज़ किया उहदे विच तुसी कोई भी मोडिफिकेशन नहीं कर सकते। जेकर गलती ना इत्थे तुहाडे कोल साइंस हो भी गया नो इशूज, जेले तक तुहाडी फीस पे नहीं हुई उले तक तुहाडा ये फॉर्म फाइनल नहीं मन्निया जाऊगा, ठीक है जी? हुण चलो अगे देखते हैं डिटेल तुसी एडिट किदा करनी है। ला लो कि इंग्लिश दे विच मेरे को कुछ गलतियां हो गईयां सी, इत्थे देखो फॉर्म एप्लीकेशन विच आ रहा फॉर्म फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इत्थे क्लिक कर दो। क्लिक करन तो बाद तुहाडा इत्थे देखो जी पूरी डिटेल आ जाऊगी, जो भी ढे इतें है गया जी ढी जो भी इतने डिग्रीज है। ये फिलहाल इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन नवा अपडेट किया, ठीक है जी? जो कि इन्होंने कोई भी वैबसाइट पर नहीं पाया से जो नवी नवी ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई सी। अदू मैं फिलहाल बैचलर ऑफ आर्ट्स कमर्स और साइंस दिखाया,
ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਤੋ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਹੀ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸਿੰਗ ਈਅਰ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸਿੰਗ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2018 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਸਿੰਗ ਈਅਰ। ਪਾਸਿੰਗ ਈਅਰ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਥਰਡ ਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਿਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ 2018 ਪਾਇਆ ਸੀ, 2018 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ 17 ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਟਿੱਕ ਵੱਜ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਮੀ ਫੋਰਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਚਲਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੋਡ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਜੁਆਇਨ ਅਵਰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਦਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੋ ਡੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਫੋਰ ਯੂਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ।